Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3, fractions, exercise 3C and question number 1. And question is fill in the blanks. Blanks से हमारे पास part A is 2/7 plus 1/7 is equal to 1/7 plus 2/7. Satisfied the common commutative law of addition. यहाँ पे हमारे पास blanks थी 1/7 plus ये 1 और 2 हमारे पास blanks हैं. तो 2/7 plus 1/7 देखें कम वो कहते हैं कि हमने ऐसे numbers लिखने हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे. कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के लिए मैंने आपको बताया था जस्ट ऑर्डर चेंज होना चाहिए, नंबर्स चेंज नहीं होने चाहिए. सो अगर यहाँ पे 2 और 1 हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2. ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, नंबर नहीं चेंज करना. अगर यहाँ पे 2/7 1/7 है तो आप यहाँ पे लिख दें 1/7 2/7, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट पे कर दें, आपके पास आंसर इक्वल ही आएगा. सो द आंसर इज इस ब्लैंक में 1 एंड दिस 1 2. पार्ट बी इज The sum of 9/13 and 4/13 is equal to 1. Is equal to blank. 9/13 plus 4/13 कैसे होगा? देखें 13 दोनों लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, ये तो सेम रहेंगे. 9 plus 4 13. 13/13 is equal to 1. तो सम क्या आएगा इन दोनों का? 1. The answer is 1. Part C is according to the associative law of addition. Associative law of addition के मुताबिक 4/5 plus 7/5 into +1 11/5. अब इसके वो कहते हैं कि ऑपोजिट साइड में क्या फॉर्म आ सकती है. तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था नंबर्स चेंज नहीं होंगे, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. आप इस तरह से कर लें, आप 4/5 को ब्रैकेट के आउटसाइड कर लें और 7/5 plus 11/5 को आप ब्रैकेट के इनसाइड कर लें. तो आपके पास ये नंबर्स आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे क्योंकि नंबर्स डिफरेंट नहीं है, जस्ट ऑर्डर डिफरेंट है. ओके, द आंसर इज 4/7 into +7/5 plus 11/5. पार्ट डी इज 15/22 minus 5/11. इनको सॉल्व करेंगे, 22 और 11 का एलसीएम हमारे पास आएगा 22. ठीक है, जब हम इनको एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 22 में आएगा 11 2 ज़ 22 और फिर 2 1 ज़ 2 आएगा. फिर आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे 11 एंड 2. अगर आपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर्स अच्छी तरह से देखा है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा एलसीएम वगैरह लेना. ओके, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22 एलसीएम. तो 11 और 22 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 22. 15 माइनस 5, जब आपके पास 22 आएगा तो आप एलसीएम से उसको कट कैसे करते हैं? 15/22 multiply 22 लिखेंगे आप. ठीक है, तो आपके पास 22 और 22 कैंसिल हो जाएंगे और 15 एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस 5/11 multiply 22 जब आप करेंगे, क्योंकि एलसीएम से हम उसको कट करते हैं, 5/11 multiply 22 करेंगे तो 11 1 ज़ 11 11 2 ज़ 22 आ जाएगा और फिर 5 और 2 multiply होंगे 10 आ जाएगा. तो 15 minus 10 is equal to 5. 5/22 आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट ई इज 4 into 1/4 plus 3 into 1/3. अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 4 ज़ 16 16 plus 1 17 17 by 4 3 3 ज़ 9 9 plus 1 10 10 plus 3. तो 17 plus 4 plus 9 by 10 by 3. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके लिए कोई री राइट फ्रैक्शन लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनेंगे, देन आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 into 7 by 12. ओके, क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड. आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे ही सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. पार्ट ए इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट ट्रू फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स. वो कहते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का वो फ्रैक्शनल नंबर के लिए होल्ड नहीं करता. तो हमने ये खुद चेक किया है प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है और आपको हमने वो सारे कॉन्सेप्ट भी लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस की कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है. ठीक है, जैसे 4/7 plus 3/7 को आप अगर ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ आप 3/7 plus 4/7 को करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा, तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा. नेक्स्ट पार्ट बी. पार्ट बी इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज ट्रू फॉर फ्रैक्शंस.
एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन का, वो फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस की फ्रैक्शंस के लिए ट्रू है, दैट्स ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज, ये स्टेटमेंट फॉल्स थी क्योंकि उन्होंने कहा था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, जबकि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए होल्ड करता है। और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हमने ये देखा है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। पार्ट सी इज टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम फ्रैक्शंस का एलसीएम नहीं लेते, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है और सेम डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं, यू नो डैट वेरी वेल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट डी इज द सम ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज इक्वल टू 2 × 1/12। इनका सम किसके इक्वल होगा? 3/4 प्लस 4/3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इनको लाइक फ्रैक्शन बनानी होगी, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो 3/4 की अगर आप फ्रैक्शन बना सकते हैं तो आपकी बनेगी 9/12। ओके, 9/12 आप 3/4 की जगह लिखेंगे, क्योंकि 9/12 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3s are 9 एंड 4 3 4s are 12, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास 3/4 आ जाएगा। सो आप 9/12 लिखें या 3/4 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर 9/12 बट आपने 4/3 को भी चेंज करना होगा, क्योंकि आपने लाइक फ्रैक्शन बनानी होगी। तो वो लाइक फ्रैक्शन जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम होगा, आप फिर उसको डिवाइड करेंगे एंड जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी वो किसकी इक्वल होगी? 2 × 1/12। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट ई, द डिफरेंस बिटवीन 2/11 एंड 1/11 इज 1। अब ये लाइक फ्रैक्शन हैं, आप देख सकते हैं, देखें 11 तो एज इट इज आ जाएगा, 12 − 1 = 11, 11/11 = 1, और हमारे पास आंसर 1 ही। तो डिफरेंस इसका 12 − 1 = 11 ही आएगा। ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। ओके, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे क्रॉस हुआ है, बिकॉज देखें यहाँ पे जो एलसीएम है वो इसका 11 ही आएगा, 11 एज इट इज रहेगा, और 12 − 1 जब आप करेंगे 11, तो 11/11 = 1। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स के लिए कुछ मल्टीपल चॉइसेस गिवन है, हमने उनमें से सेलेक्ट करना होगा विच वन इज ट्रू। फॉर 9/13 एंड 6/13 द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट। इन दोनों नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ की स्टेटमेंट क्या हो सकती है? तो देखें, अगर आप दूसरी तरफ लिखेंगे तो आप ऑब्वियसली नंबर्स तो चेंज नहीं कर सकते, तो ऑर्डर क्या होगा? अगर एक तरफ 9/13 − 6/13 = 6/13 − 9/13, लेकिन हम अगर कम्यूटेटिव लॉ एडिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता। ओके, जस्ट एडिशन के लिए होल्ड करता है। तो 9/13 + 6/13 = 6/13 + 9/13 इज द राइट आंसर, बिकॉज देखें यहाँ पे एक तरफ डिवीजन है और दूसरी तरफ भी डिवीजन है, बट ये डिवीजन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। और हमने जस्ट पढ़ा ही, आपको मैंने फिलहाल जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो हैं ही एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ। ओके, और एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन के लिए ही है। और आपने ये बात याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ ये लॉ होल्ड नहीं करते। सो यहाँ पे तो उन्होंने कम्यूटेटिव लॉ लिखा ही नहीं है, इसमें मिस्टेक की, इसमें उन्होंने इस तरह से मेजर मिस्टेक की है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव फॉर्म ही नहीं है। ओके, कम्यूटेटिव फॉर्म एडिशन की ये ट्रू है। 9/13 + 6/13 = 6/13 + 9/13 इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज टू। ये पेज आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, पेज नंबर 2 प्रीवियस, इन प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट आप पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि पार्ट ए तक हम सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड पार्ट बी हमने स्टार्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्रू फॉल्स थे हमारे पास, ट्रू फॉल्स नहीं सॉरी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन थे हमारे पास। 5/8 - 3/12 इज इक्वल टू 5/8 - 3/12। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको, आपने इसकी लाइक फ्रैक्शन बनानी होगी। लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/12, 3/8, 3/24, 21/24। आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो होगा 3/8। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप 3/12 की जगह आप कौन सी कोई फ्रैक्शन बना सकते हैं, कोई ऐसी जिसमें 3/12 ही दोबारा आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो फ्रैक्शन रीराइट लिखनी होगी, देन आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ 5 × 1/4 एंड 2 × 3/4 इज इक्वल टू, डिफरेंस आप इसने, आपने इसके दो से तीन मेथड्स आपने इसके सीखे हैं मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको इस तरह करेंगे, 25 + 4 + 20, 20 + 1 = 21, 21 / 4 = 8, 8 + 3 = 11, 11 / 4, और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, 21 - 11 आपके पास ये आ जाएगा 9, sorry 10 आपके पास आ जाएगा 10, 10 by 4। तो 10 by 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 2 × 1/2। इसके अलावा आप एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके होल नंबर्स को आप स्किप कर दें, साइड पे कर लें, 1/4, 3/4 की जगह कोई रीराइट फ्रैक्शन लिखें, या फिर 1/4 या 3/4 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आए कि अब जैसे कि 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को भी 3 से करें, तो आपके पास आ जाएगा 4/12। और 4/12 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 ones are 4, 4 threes are 12, ठीक है, या 3 ones are 3 and 3 fours are 12। तो आपके पास 3/12 लिखें या 1/4 लिखें, बात एक ही है, ओके। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, आप जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे उन आपके पास वो मेथड्स गिवन है बुक में, उनको सॉल्व चेक करके आप उनको इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा 2 × 1/2। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास, द सम ऑफ 3 नेक्स्ट है आपके पास, द सम ऑफ 3 × 7/15 and 4 × 3/5 इज इक्वल टू। अब सम के लिए भी आपके पास उतने ही मेथड हैं, जैसे कि आप एक तो 3 और 4 को आप 3 और 4 को अगर एक साइड पे स्किप कर लें और स्किप करके एक साइड पे रख लें, 7/15 and 3/5 पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अप्लाई करें, आप एक अलग से फ्रैक्शन रीराइट लिखें और फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट करके देन आप ऐड करके सॉरी फिर आप 3 और 4 को भी ऐड करें, तो उन दोनों नंबर्स को एंड पे आप अगठा ऐड करके लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और मेथड भी है कि आप इनको स्किप करके, अगर आप इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 7 से ऐड करके, इसी तरह इस साइड पे भी आप वही प्रोसेस करके आप इसके किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक फ्रैक्शन को, किसी भी कोई भी एक नंबर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लेके उनको मल्टीप्लाई करके आप एक फ्रैक्शन ऐसी हासिल कर सकते हैं जिससे आपके पास आंसर आएगा 8 × 1/15, ओके। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये तमाम चीज़ें आएंगी और तब मैं आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल करवाऊंगी, ओके। एमसीक्यूज के लिए ये आपको खुद सॉल्व करने होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 + 5/18, ओके, इज कॉमन डिनोमिनेटर 9/14 + 5/18 जो इसके लिए कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो होगा 126 वो डिनोमिनेटर है जो इन दोनों के लिए कॉमन हो सकता है। 18, 14, 126 and 2 में से द राइट आंसर इज 126। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 3 इज कम्प्लीटेड, क्वेश्चन 1, 2 and 3 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं, एंड क्वेश्चन 4 इज ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन होंगी, हम उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के मेथड्स हमने 2 से 3 मेथड हमने देखे हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमसे किस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बुक पे जो मेथड्स हैं उन्हीं को लेके चलेंगे। ये पेज नंबर 3 आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया जा चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे।
फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर इनका सेम बनाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है. मीन्स डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा. आप देखें जो हमने एक मेथड देखा था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने 2 से 3 मेथड देखे, लेकिन एडिशन के लिए हमने जो मेथड देखा था वो ये था कि हमने इस न्यूमिनेटर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था. मीन 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 और 6/7 एज इट इज़. बट अब ये हमारे पास ऐसे नंबर्स गिवन हैं कि एक तरफ 4 और 7, एक तरफ इवन नंबर है, एक तरफ ऑड नंबर है. अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि अब मैं अगर इसको करूँ कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन लूँ कि इसको और इसको करूँ तो एक ऐसा डिनोमिनेटर आए कि उसके साथ 7 आए, क्योंकि आपको पता है कि 7 एक प्राइम नंबर है और ये जस्ट खुद से या 1 से डिवाइड होता है. सो हमें इन दोनों के साथ कुछ इस तरह से डील करना होगा, दोनों फ्रैक्शन से ऐड करनी होगी. हम इस साइड पे 7 को दोनों टाइम्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी. ओके, इस साइड पे हम 3/4 के साथ 7 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ, और इस तरफ 4 के साथ करेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 के साथ और यहाँ पे 4 के साथ डिनोमिनेटर्स लेके चलेंगे. 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ एक ही काम करना है. यहाँ पे आ जाएगा 21/28, यहाँ पे आ जाएगा 24/24, 8. आप देख सकते हैं आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन बन गया, 28 दोनों तरफ आ गया. अब हमें 28 को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, 20 एज इट इज़ ही रहेगा. और 21+24 करेंगे, 21+24 ये आ जाएगा 45, 45/28. अब अगर आप इनको डिवाइड करें तो आपके पास 28 आएगा, ठीक है, और जो आपके पास रिमेनिंग होंगे वो रिमाइंडर आपके पास 17 आएगा, और जो क्वेश्चन होगा 1 वो एज अ होल नंबर, और जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो एज अ न्यूमिनेटर, और जो आपके पास डिवाइजर होगा 28 वो आपके पास एज अ डिनोमिनेटर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपके पास 1 × 17/8. 28 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. नेक्स्ट पार्ट बी, एंड द पार्ट बी इज 3/5 + 8/15. अब यहाँ पे हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो सकता है. अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, डिनोमिनेटर ले लें, 3 को 5 से यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5 + 8/15 एज इट इज़ ही लिखेंगे. ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा मल्टीप्लाई 5. ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हम उसी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे कि हमने 3/5 फर्स्ट स्टेप में हम 3/5 और 8/15 ही लिखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा 3/5 + 8/15. फर्स्ट वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, 3 × 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर के स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं, आप यहाँ से देख के इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, आपने इसके स्पेलिंग को चेक करना है और इनको करेक्ट करना है. 3/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +8/15 एज इट इज़ रहेगा. सेम वही मेथड जो आपने अपनी बुक में देखा था. ओके, कि न्यूमिनेटर को दोनों तरफ इस साइड पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और सेकेंड जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसको एज इट इज़ रहने दें. तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, +8/15 सेम एज आपके पास ऐसे एग्जांपल आपके पास बुक में गिवन थी. 3 को 3 से किया 9, +5 को 3 से किया 15, 9/15 +8/15. अब देखिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों तरफ 15 है, लाइक फ्रैक्शन बन गई हैं, हमें 15 को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये हमारे लिए ईजी हो गया क्योंकि हमने जस्ट 9 + 8 को ऐड करना होगा, 15 एज इट इज़ आ जाएगा. 9 + 8 को ऐड करेंगे 17, 17/15. ये एज इट इज़ क्यों आता है, ड्यू टू एलसीएम, क्योंकि अगर आप 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 × 15 आ जाएगा और वो एंडिंग हो जाएगी और 15 फैक्टर आपका बनेगा और 15 एज एलसीएम आ जाएगा. 9 + 8/15 आंसर क्या आ जाएगा, 17/15. अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको डिवीजन से 15 × 15, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा 1 एंड 17 माइनस 15 रिमाइंडर आएगा 2.
तो जो आपके पास क्वेश्चन होगा वन वो एज अ होल नंबर, जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो एज अ न्यूमिनेटर, और जो आपके पास डिवाइजर होगा 15 वो एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट होगा। सो द आंसर ऑफ पार्ट बी इज 1 into 2 डिवाइडेड बाय 15। पार्ट बी इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड पार्ट सी इज 5/6 + 1/2। 5/6 + 1/2, फर्स्ट वी मेक द सेम डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। किस तरह बनाएंगे? 5/6 से नहीं बनेगा। आप इस साइड पे अगर देखें 6 है, दूसरी तरफ पे अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ सकता है, डिनोमिनेटर सेम बन सकते हैं। सो दूसरी साइड पे हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5/6 + 3 × 1 = 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जस्ट इस साइड की फ्रैक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं या उस साइड पे। आप दोनों में से जिसको भी आप इजी समझते हैं, इजी आप जिसका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं आप कर सकते हैं। देखें इस साइड पे 6 था, 6 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए। ओके, लेकिन 2 के साथ एक ऐसा नंबर नहीं है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कम्प्लीटली 6 आ जाए। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 6 आ गया, और इसको ये इजी था सो मैंने इस फ्रैक्शन को ले लिया। आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी कोई आसान नंबर या आसान फ्रैक्शन बनाने की मिलती है तो आप उसको बना सकते हैं। 6 अब लाइक डिनोमिनेटर्स आ गए, सेम आ जाएंगे। 6 और 6 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा, सो 6 एज इट इज आ जाएगा। 5 + 3 = 8, 8/6। अब आप इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 = 8, 2 3 = 6, एंड 4/3 इज द आंसर। अब आप अगर इनको सिंप्लीफाई, 3 अगर आप इनको मिक्स स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं तो मिक्स स्ट्रक्चर में आप कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड करके, और डिवाइड आप कैसे करेंगे? 3 1 = 3 एंड 4 - 3 = 1। तो जो 1 आपके पास क्वेश्चन था वो एज अ होल नंबर, जो 1 आपके पास रिमाइंडर था वो एज अ न्यूमिनेटर, और जो 3 आपके पास डिवाइजर था वो एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट होगा, और आंसर आपके पास आएगा 1 × 1/3 इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट डी, 9/10 + 3/5। सॉल्यूशन इज 9/10 + 3/5। फर्स्ट वी मेक द सेम डिनोमिनेटर। आप देखें 10 को मैं किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 10 नहीं आएगा, बट 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास 10 आ सकता है। सो मुझे पता है कि इस साइड पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। 9/10 + 3 × 2 = 5 × 2, 9/10 + 6/10। ओके, दोनों तरफ से डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास 10 आ चुका है। अब 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10, और 9 + 6 आप इनको ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 / 10। अब 15 / 10 कोई ऐसा नंबर जो 15 इन दोनों नंबर्स को अगर एक साथ डिवाइड कर सके। 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3/2 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। आप इनको अगर डिवाइड करें इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए तो आप डिवाइड करेंगे, 3 एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा, और 2 एज अ डिवाइजर, 2 1 = 2, एंड 3 - 2 = 1। ओके, क्वेश्चन 1 एज अ होल नंबर, रिमाइंडर 1 एज अ न्यूमिनेटर, और डिवाइजर 2 एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट होगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 × 1/2 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट ई आपके पास गिवन है, सॉल्व है, आपने इसको खुद चेक करना होगा, खुद समझना होगा कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 3C। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।